अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं शुगर कुकीज़ बना रही थी एक ऑर्डर के लिए, तो सोचा आप लोगों के लिए रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ। जब तक ये जहन में आया तब तक मैंने बटर और शुगर को बीट करना स्टार्ट कर दिया हुआ था, फिर मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। रेसिपी कंप्लीट मेजरमेंट्स के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने बटर और शुगर जो है उनको अच्छे से क्रीम कर लिया। शुगर कुकीज़ में बटर ही यूज़ होता है, इसमें हम इसको ऑयल से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मेजरली जो टेस्ट आ रहा होता है आपकी कुकीज़ में वो बटर से ही आ रहा होता है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी का बटर यूज़ करना ज़रूरी है। आपके बटर का जितना अच्छा टेस्ट होगा उतनी अच्छी आपकी कुकीज़ का टेस्ट होगा। ये कुकीज़ आम कुकीज़ से थोड़ी सी हार्ड होती हैं, क्योंकि ये डेकोरेटिव कुकीज़ होती हैं, इनके ऊपर हम रॉयल आइसिंग से डेकोरेशन वगैरह करते हैं, तो ये थोड़ी सी हार्ड होती है हमारी रेगुलर कुकीज़ से ज़्यादा, थोड़ी इनमें क्रंच जो है ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके बाद मैंने इसके अंदर अंडा डाला है और वनीला एसेंस ऐड किया है, और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया। उसके बाद मैंने मैदा डाल के इसको स्पैचुला से मिक्स कर लिया अच्छे से। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा, एक डो बन जाएगी, तो फिर इसको या तो क्लिंग रैप में आप रैप करके एक थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लें, और उसके बाद उसको क्लिंग रैप में, या फिर मैंने एक शॉपर यूज़ किया था उसके अंदर डाल के मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रख दें, जल्दी है तो फ्रीज़र में रख दें 15 से 20 मिनट के लिए, थोड़ी सी ये ठंडी हो जाए। उसके बाद फिर इसे निकाल के हम लोग बेलेंगे इस तरह से। देखिए, मैंने फ्लैट करके इसे कवर करके प्रॉपरली फ्रिज में रख दिया था। ये ठंडी हो गई इस तरह से, और इसे मैंने फिर अपने सरफेस, वर्किंग सरफेस पे निकाला, इसे थोड़ा सा इस तरह से गूंद लिया। ये प्लायबल हो गई थोड़ा सा इस तरह से, जैसे हमारा आटा होता है उस तरह से बन गई। तो फिर मैंने इससे अपनी डिज़ायर्ड शेप्स कट की। ये कुकीज़ मुझसे बनवाई थी, एक कस्टमर है मेरी रेगुलर, उन्होंने अपनी एंगेजमेंट के लिए बनवाई थी, तो हम ये एंगेजमेंट रिंग की शेप में बना रहे हैं। अब मेरे पास एंगेजमेंट रिंग का कुकी कटर नहीं है, तो फिर मैंने यूज़ किया जुगाड़। इसके ऊपर मैंने रॉयल आइसिंग से डेकोरेशन सारी की थी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, रॉयल आइसिंग की रेसिपी भी, और जो मैंने इसकी डेकोरेशन जिस तरह से की थी वो भी सारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब रिंग शेप बनाने के लिए पहले मैंने राउंड कटर से राउंड कुकीज़ कट की, उसके बाद मैंने स्क्वायर कुकी कटर से स्क्वायर कुकीज़ कट की, और फिर उसको डायमंड की शेप दे दी। किस तरह से दी वो ये आप लोग अभी देख लेंगे, और उस उनको आपस में अच्छे से जोड़ दिया ताकि ये बाद में टूटे ना। उसके बावजूद भी एक या दो कुकीज़ थी जो अलहदा हो गई थी, लेकिन वो फिर मैंने रॉयल आइसिंग से उनको जोड़ दिया था। इन कुकीज़ को कट करने के बाद आपने ट्रे में, मैं सिर्फ, मेरा नॉनस्टिक ट्रे है उसके अंदर सिर्फ ऑयल लगाती हूँ, बेक होने के बाद ये खुद ही अलहदा हो जाती हैं, ट्रे से बिल्कुल भी नहीं चिपकती। अच्छा जी, इनको आपने ट्रे में रखने के बाद फ़ौरन बेक होने के लिए नहीं रखना, इसको आपने कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रखना है या 15 से 20 मिनट फ्रीज़र में रखना है। ये जब जम जाएंगी फिर इन्हें आपने बेक करना है, उस तरह इनकी शेप फिर ख़राब नहीं होती। यहाँ पर ये बिल्कुल जम गई नहीं है, इन्हें मैं बेक करूँगी, ये इनका फाइनल लुक है। I'll see you tomorrow, inshallah. Thank you for watching. Allah Hafiz.